अच्छा मैं हम बात ये कर रहे थे कि गांवों की ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं आती। आपने बताया वहाँ रोड नहीं है, आपने बताया वहाँ स्कूल नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, वहाँ पर अच्छे अच्छे बड़े बाजार नहीं हैं, बोरिंग बनाना पड़ता है, ओ पानी की प्रॉब्लम है वहाँ, और आपने बताया कि वहाँ पर बिजली की प्रॉब्लम है। ये तो सारी आपने वो प्रॉब्लम बताई जो भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित है, पर हमारे गांव में कुछ ऐसी रीति रिवाज या ऐसे कुछ आडंबर या ऐसे कुछ रूढ़िवादियाँ जो कृतियाँ हैं वो हैं, आपने देखी जिन्हें आप पसंद नहीं करते? इतने बड़े-बड़े बिल्कुल आप कह रहे हैं, मतलब गांव में पर्दा प्रथा है, घूंघट निकालना पड़ता है, और निश्चित रूप से जब घूंघट निकालते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी विपरीत असर पड़ता है, क्योंकि आपको पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और काम भी करने में भी अड़चन होती है। और घूंघट निकालने का मतलब यह है कि लड़की घर के अंदर बंद, चार दीवारी के अंदर बंद, मतलब घूंघट का मतलब यही है वो बाहर की दुनिया में नहीं जाएगी, और जब वो बाहर की दुनिया में नहीं जाएगी तो फिर वो बाहर की दुनिया की ज्ञान को प्राप्त कैसे करेगी, कर ही नहीं पाएगी, तो उसका पूरा डेवलपमेंट तो होगा नहीं, है ना। और गांव की ऐसी कौन सी चीजें जो आपको पसंद नहीं है? जैसे अभी ने बताया कि हमें बड़े बूढ़ों की बात माननी पड़ती है, बड़े बूढ़ों ने जो कह दिया है चाहे वो सही है या गलत है, भाई हमारी पीढ़ियों से ये चलता आ रहा है, इसलिए हमें तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे दादाजी भी ऐसा करते थे, हमारे ताऊ जी भी ऐसा करते थे, तो उन पे वो जमे रहते हैं। एक आपने बताया कि कुछ अंधविश्वासों से लोग मतलब जुड़े हुए हैं, उन अंधविश्वासों को वो ख़त्म नहीं होने देते क्योंकि वहाँ इतनी शिक्षा भी नहीं है, सबको पढ़ाना भी वो ज़रूरी नहीं समझते, बहुत शिक्षा भी कम है, इसलिए अंधविश्वास और जो पुराने ऐसे रीति रिवाज हैं जो कि अब नहीं होने चाहिए वो अभी भी चल रहे हैं। आपने बताया बाल विवाह, छोटी छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी कर देते हैं, मतलब कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं गांव में जो आपको पसंद नहीं है और जिनमें परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। लेकिन वेरी गुड, गांव में जातिवाद को लेके भी बहुत ज्यादा भेदभाव होते हैं, ये ऊंची जाती है, ये नीची जाती है, इसका पानी नहीं पिएंगे, इनके घर का इनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, बहुत बिल्कुल सही बात बता रही हूँ, गांव में ये सब चीजें होती हैं। और देखिए तो शहरों में भी कहीं कहीं मिलती हैं, लेकिन फिर भी शहर में क्या होता है कि ये चीज़ें चल नहीं पाती, क्योंकि एक तो शहर में एजुकेशन का स्तर बढ़ गया है, दूसरे शहरों में चारों तरफ से इंसान आता है और वो अपने व्यवसाय में या नौकरी में इस तरीके से एडजस्ट हो जाता है कि वो यदि वो इस तरीके के काम करने लगा तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो मजबूरी में ही सही, लेकिन गाँव शहरों में ये चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और कहीं कहीं बड़े बड़े शहरों में तो ख़त्म भी हो रही हैं। लेकिन आज भी गाँव ऐसे हैं भारत में जहाँ पर इस तरीके की परंपराएं चल रही हैं, और खास बात यह है जैसे बेटी का जन्म बड़ा अशुभ माना जाता है, हाँ, बेटी हो गई तो कहते हैं अरे लक्ष्मी आ गई, मतलब बड़े बुरे मन से कहते हैं लक्ष्मी आ गई, खुश हो गई नहीं कहते, बड़े बुरे मन से कहते हैं, और बेटा होता है तो बड़ी थाली बजाई जाती है, ये कुछ इस तरीके की परंपराएं गाँव में हैं, और जबकि हम ये जानते हैं कि ये परंपराएं कोई अच्छी परंपराएं नहीं है, खत्म होनी चाहिए, और सरकार ने इनके लिए कानून भी बना दिया है, ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने इनके लिए कानून नहीं बनाया, कानून बना दिया सरकार ने, देखो कन्या भ्रूण हत्या के लिए कानून बना दिया कि आप है ना किसी के लिंग की जांच नहीं करवा सकते गर्भावस्था में, बना दिया, दहेज को रोकने के लिए कानून बना दिया है, बाल विवाह होते हैं उसके लिए भी कानून बना दिया ना, लेकिन गांव वाले उन कानूनों को भी धज्जियां उड़ा देते हैं, उन कानूनों की भी वो उन कानूनों की भी परवाह नहीं करते, या तो राजी राजी पुलिस वालों को और कानून को खरीद लेते हैं, और नहीं खरीदे तो चुपचाप या दादागिरी के बल पर पुलिस उसे भी मारपीट कर लेंगे, और दादागिरी के बल पर के नहीं साहब आप हमारे विश्वास हैं और ये तो हमारे धार्मिक विश्वास हैं और ये तो हमारी सामाजिक परंपराएं हैं, आप इसमें कैसे इंटरफेयर कर सकते हो, हम तो करेंगे, मतलब उनके दिमाग में कैसी बात बैठी हुई है कि बच्चे की बचपन में शादी कर देंगे तो हम ये बड़ी पावन चीज़ है, बड़ी पुनीत चीज़ है, ऐसा कहा जाता है कि जब लड़की का मेंसेस पीरियड शुरू होता है उसके पहले यदि उसका विवाह कर दिया जाए तो बड़ा पुण्य होता है, ये अंधविश्वास है, इस तरीके के अंधविश्वास चल रहे हैं, चले आ रहे हैं, और वो उन चीज़ों का पालन करते हैं। आपने देखा होगा गांव में एक चीज़ और है, घर में खाने के लिए कुछ है या नहीं है, पर यदि शादी है ब्याह है कोई मर गया है तो जीवन जरूर होगा, चाहे वो कर्जा लेके करे लेकिन वो जीवन करेगा, होता ना शहरों में, देखो तो नहीं होता है, शहरों पे तो 13वीं पे ज़्यादा ज़्यादा ब्राह्मणों को खाना खिला दिया जाता है, गाँव में तो पूरे समाज को खाना खिलाना पड़ता है, और आपके घर में पैसा नहीं है पर आपका क्या रहे उधार ले रहे हैं, उधार लेके ये काम कर रहे हैं,
जाति को लेकर बड़ा भेदभाव है, ये ऊंची जाति है, नीची जाति है, इस तरीके के काफी भेदभाव है। आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं ना गदल, ये जो गदल कहानी है रांगे राघव की, उसमें इसी तरीके की समस्याओं को बताया हुआ है। ये कहानी ब्रज एरिया की है और इस कहानी को रांगे राघव ने इसलिए लिखा है कि समाज में इस तरीके की बुराइयां तो हैं, ये बुराइयां क्यों हैं, क्यों खत्म नहीं हो रही हैं कानून होने के बावजूद भी, और समाज में स्त्री का क्या स्थान है, गांवों में मुझे बताइए आप स्त्री को कैसे देखते हैं, नारी को कैसे देखते हैं, दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह। पुरुषों का वर्चस्व है, औरत की तो जैसे कोई वैल्यू नहीं है ऐसा मानते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, गांव की औरतें होती बहुत मजबूत हैं, यदि वो अपनी सी पर आ जाए ना तो वो डरती नहीं है। आपने एक चीज और देखी होगी, जो शहरों की औरतें आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, पर गांव की औरतें आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। गांव की हर औरत काम करती है, कोई खेत में काम करती है, कोई मजदूरी करती है, कुछ भी करे, उसके घर में कोई मान लो आपके कुम्हार का काम है तो वो कुम्हार का काम कर रही है, लुहार का काम है तो वो लुहार का काम कर रही है, 6 बजे रोटी बना के हाँ देती है, हाँ और सारे दिन कोई फिर शाम को आएगी 4 बजे। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम ये देख रहे हैं वो शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत है और वो मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत है। और जैसे शहरों की औरतों में तनाव टेंशन होता ना, उनको तनाव टेंशन नहीं होता, और दूसरे उनको संकटों को सहने की बड़ी आदत होती है, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी वो सर्वाइव कर जाती है। क्यों? क्योंकि भैया उन्होंने तो हमेशा ही मुश्किलें देखी हैं, बाधाएं देखी हैं, सुविधाओं में थोड़ी बीता है उनका जीवन, उनका जीवन तो कठोरता में पलके बड़ी हुई है, तो उनको कठोरताओं का सामना करने की आदत है। और अब चूंकि धीरे धीरे कुछ तो राजनीतिक चेतना भी आ गई है गांवों में, लोगों को ये समझ में तो आ ही गया है इवन देन गांव के लोगों को कि हम आजाद हो गए हैं, आजाद हो गए तो हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हमें भी आज़ादी मिली है, हमारे भी कुछ अधिकार हैं। तो गांवों की औरतें अब वो पहली जैसी नहीं रही हैं कि गाय की तरह काट दो, अब यदि उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो वो उसका विरोध भी कर लेती हैं, कर लेती हैं नहीं कर लेती हैं। और ये जो गदल कहानी है इसमें हम एक ऐसी ही औरत को देखेंगे, उसके चरित्र को रांगे राघव ने इतना मजबूत और इतना सुदृढ़ बताया है कि वो पूरे गांव से भिड़ जाती है। गांव के जो आदमी होते हैं, जो अपने आप को बड़ा पंच समझते हैं, शक्तिशाली समझते हैं, नेता समझते हैं, वो उन आदमियों से भी भिड़ जाती है, इवन देन वो पुलिस वालों से भिड़ जाती है, वो अपने घर वालों से भिड़ जाती है अपने अधिकारों के लिए। तो रांगे राघव ने ये कहानी लिखकर एक सुदृढ़ और मजबूत इरादों वाली एक स्त्री पात्र की रचना की है, और कहीं ना कहीं वो ये संदेश देना चाहते हैं कि स्त्री कमजोर नहीं है, यदि वो चाहे तो वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती है। यदि भी जब ये कहानी हम पढ़ेंगे तो इसमें आपको एक बात खटकेगी गदल की एक बात आपको पसंद नहीं आएगी, मैं आपसे कहानी सुनाने के बाद पूछूंगी कि आपको गदल की कौन सी बात पसंद नहीं आई, उसने किस बात का गलत विरोध किया, नहीं करना चाहिए था। कहानी कुछ ऐसे है कि एक औरत है जिसका नाम है गदल, उसके पति का नाम गुन्ना, उसके दो बेटे हैं, बड़ा बेटा निहाल 30 साल का है, छोटा बेटा 22 साल का है, दो बेटियां हैं, दोनों बेटियों की शादी हो गई है, बड़े बेटे के तो एक बच्चा भी है यानी कि गदल के पोता भी है। अच्छी भरी पूरी फैमिली है उसकी, बहुत अच्छी तरीके से उनके पास जमीन है, जायदाद है, खेत है, खारी जाति के हैं जो कि उस गांव में बड़े माने जाते हैं। गदल के पति गुन्ना का देहावसान हो जाता है, जब वो देहावसान हो जाता है उसका तो गदल विधवा हो जाती है। अब मैं आपको एक खास बात और बता रही हूँ जो कि शहरों में नहीं होती पर गाँवों में कई जगह पाई जाती है। गांव में यदि कोई औरत विधवा हो जाती है तो उसका दूसरा विवाह कर दिया जाता है, कई जातियों छोटी जातियों में ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपको खास बात बता दूं। क्या होता है कि घर में ही जो देवर वगैरह होते हैं ना उनसे हाँ सही कह रहे हैं ना, जो घर में जो देवर वगैरह होते हैं उनसे शादी कर दी जाती है, मतलब उसको ऐसे खाली नहीं छोड़ते हैं। और सबसे देवर का मतलब ही होता है द्विवर, दूसरा वर, यदि पति खत्म हो जाए तो देवर के साथ शादी। हाँ ये वाली बात समझ आई थी, ये देवर की भी पहले हो गई हो तो रहने देते हैं,
और यहाँ गदल के केस में तो हम ये देख रहे हैं कि उसके तो बेटे हैं जवान, पोते हैं, तो उस समय तो मतलब विधवा विवाह की नहीं सोची जाती, यदि युवा मृत्यु हो गई है, जवान लड़की है, तो शादी कर ही देते हैं। पर यहाँ क्या है कि गदल के एक देवर है और देवर की जो पत्नी है यानी कि गदल की देवरानी बहुत पहले ही मर चुकी है, तो जो देवर है वो इन्हीं के साथ रहता है। अब जब गुन्ना खत्म हो जाता है तो डोड़ी अकेला है, उसका नाम डोड़ी है, जो देवर है उसका नाम डोड़ी है, तो उसका अंदर से मन करता है कि ये कहीं जाए नहीं, घर में ही रह जाए। और एक्चुअली क्या होता है कि ये जो औरत है गदल, वो बहुत ही मजबूत इरादों वाली औरत, और उसके अंदर काम वासना और शारीरिक सुख प्राप्त करने की भी पूरी इच्छा है। अब पति मर गया है तो वो दूसरी शादी करने की सोचती है, वो भी अपने मन ही मन में ये सोच रही कि शायद देवर मुझसे कह दे, क्योंकि औरत का एक स्वाभिमान होता है कि मैं खुद आगे से क्यों प्रपोज करूं, कोई सामने वाला मुझे प्रपोज करे। तो डोड़ी है वो उसको प्रपोज करता नहीं है, वो मन ही मन में यूं डर रहा होता है कि यदि मन तो है उसका कि मैं गदल से मतलब शादी हो जाए मेरी और गदल मेरे साथ रहे, पर उसे क्या लगता है कि यदि मैंने ये कहा तो ये इतने बड़े बड़े पोते हैं, बेटे हैं, वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे अच्छा चाचा का तो पहले से टाका होगा माँ के साथ, देखा मेरा बाप मरा अखड़ाक्षना मेरी माँ को अपनी बीवी बना लिया। तो वो डर के मारे लोग लिहाज समाज की जो शर्म है उसके कारण वो गदल को कुछ कह नहीं पाता, और गदल ये चाहती है कि डोडी कहे तो मैं इसके साथ बैठ जाऊं। अच्छा उसको शादीवादी नहीं कहते, गांव में कहते हैं बैठ गई, उसके साथ बैठ गई, उसके साथ चली गई, इस तरीके के शब्द काम में लिए जाते हैं। अब गदल का स्वाभिमान, बहुत स्वाभिमानी औरत है वो, उसको अंदर से अंदर यह स्वाभिमान आती है, स्वाभिमान उसका बहुत तगड़ा है, कमांड मतलब जिसे अपन ये भी कह सकते हैं कि गर्व है उसको। वो डोडी को सबक सिखाना चाहती है कि तू मेरे से नहीं कहेगा ना कि मेरे साथ बैठ जा या मेरे साथ शादी कर दे, ले तेरे सामने मैं किसी दूसरे आदमी से शादी करके चली जाती। और वो क्या करती है कि उसी गांव का लोहार जाति का एक आदमी होता है मौनी, उसके साथ शादी कर लेती है। उसके भी बड़े बड़े बच्चे, मौनी के भी बड़े बड़े बच्चे, पर उसकी बीवी भी खत्म हो गई है, तो वो उससे विवाह कर लेती है। अब साहब इनके घर में हड़कंप मच जाता है कि तूने तो जगहसाई करा दी, जो बेटे हैं बेटे तो पिटाई लगा देता है अपनी माँ की, गांव में ऐसा होता है, तो जो बेटा होता है वो तो माँ को मारने लग जाता है कि तूने तो जगहसाई कर दी हमारी, मतलब हम बच्चे अपनी बच्चों के कारण नाक कटती है, तूने माँ होके हमारी नाक कटवा दी, पहले तो तूने मतलब घर से बाहर शादी कर ली, घर में काका बैठा था ना, काका के साथ रह जाती, यदि तुझे इतनी तेरे को इच्छा थी शादी की और इतना तेरे को शारीरिक सुख भोगना था तो काका के साथ बैठ जाती, पर तू तो बाहर कर ली, और वो भी तूने नीचे जाति के लोगों से शादी कर ली, हम तो खारी जाति के हैं और तूने लोहार जाति से शादी कर ली, हमारा खाना पीना तक नहीं है, वहाँ हम हुक्का तक नहीं पीते हैं और तूने उनके यहाँ शादी कर ली। उन्हें बहुत बहुत गुस्सा आता है उसको, कोई बात नहीं शादी तो हो जाती है वो तो, और वो बराबर बहस करती है तो क्या हो गया, मैं क्यों कहती, उसने मुझे कहा ही नहीं, मतलब इस तरीके से बड़ी मौत सामना करती है इस वाली बात का और मौनी के साथ रहती है। गाँव में क्या होता है कि जब कोई इस तरीके के काम हो जाते हैं ना जो जाति बिरादरी से विरुद्ध होते हैं, तो गाँव की पंचायत जुड़ती है और पंचायत क्या करती है, न्याय करती है। अब न्याय करके वो क्या करती है कि या तो कोई न्याय ऐसा दर देती है कि वापस ऐसा कर दो ऐसा कर दो, और नहीं तो वो आर्थिक दंड लगा देती है। अब जब गदल नहीं मान रही है वापस आने के लिए, मतलब उसको उसका एक बेटा बड़ा बेटा जाके उसको वापस भी ले आता है, तो खबरदार जो यहाँ रही तो चल अपने घर वहीं पे रहना, तेरे बेटे बहू हैं बेटे बहू के साथ रह, तो जब दूसरी शादी करने की जरूरत क्या, वापस भी ले आता है, लेकिन वो फिर चली जाती है वहीं। तो जो समाज में मतलब वो पंचायत जुड़ती है और पंचायत ये डिसाइड करती है, उस पर आर्थिक दंड लगा देती है कि गदल ने बहुत गलत काम किया है और नीची जाति के लोगों से विवाह कर लिया है, अपने घर में देवर के होते हुए भी इस पर दंड लगा दिया जाता है। तो छोटा बेटा वहाँ जाता कहता कि पंचायत ने तेरे ऊपर दंड लगा दिया, भरना पड़ेगा जुर्माना। तो वो इतनी बड़ी स्वाभिमानी है, बोले मैं तेरा कोई एहसान वहसान लेने वाली नहीं है, उसके पास जो जेवर है चांदी की कड़ी पहन रखी है हाथों में और पैरों में उतार के दे देती है, फेंक देती है, ले जा दंड भर दे, पर मैं तो यहीं रहूंगी, मेरी जो इच्छा है। मतलब आप देखो कि पढ़ी लिखी और शहर जिसे अपन कहते हैं कि जहाँ बहुत ही सशक्त नारियां हैं, वो भी इस तरीके से अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ती हैं जो ये लड़ रही है स्वाभिमान के साथ, कहती मुझे तेरा एहसान नहीं लेना, ले जा ये दंड भर देना, और वो उनको दे देती है और दंड भर देती है। अब वो रहने लग जाती है।
इधर दूरी को भी गुस्सा तो आता है, वो भी समझाता है, जब मैंने कहा ना बड़ा बेटा वापस ले आता है, लेकिन फिर चली जाती है। अब दूरी काफ़ी बीमार सा रहने लगता है, उसके मन ही मन में मतलब बहुत ही कष्ट रहता है कि काश मैं ही कह देता इसको, मुझे मैंने तो इसलिए लोग लाज के मारे नहीं कही, मैं कह देता तो घर की इज्जत घर में ही रह जाती, क्योंकि अब घर में बड़ा वही है, बड़ा भाई गुन्ना खत्म हो चुका है, तो बड़ा अब सबसे बड़ा घर में कौन है, डूडी है, बाकी तो बच्चे हैं। तो उसे लगता है कि मतलब हमारी खानदान की नाक कट गई। और कहीं पूरी कहानी में हमें ये भी एहसास होता है कि वो गदल से थोड़ा अंदर ही अंदर प्रेम भी करता है, तो उसको ये भी अंदर से कष्ट हो रहा है कि मैं जिससे प्रेम करता था, जो मेरे साथ रह सकती थी, वो किसी और की हो गई। और दूसरी बात यह कि खानदान की नाक कट गई, और कोई दूसरा अभी तक क्या गदल उसका बहुत ध्यान रखती थी खाने का पीने का, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो अपन पढ़ ही रहे हैं कहानी में, अपने देखा ही है कि गदल को भी हल्का फुल्का दौड़ी के प्रति स्नेह तो है ही, बहुत अच्छा उसके खाने पीने का ध्यान रखती है वो, और अब कोई भी उसका खाने पीने का ध्यान रखने वाला नहीं है। तो दौड़ी धीरे धीरे बीमार रहने लगता है। अब जब दौड़ी धीरे धीरे बीमार रहने लगता है, उसको बुखार आ जाता है और वो एक दिन ख़त्म हो जाता है। और जब वो ख़त्म हो जाता है तो ये खबर जाती है गदल के पास कि दौड़ी ख़त्म हो गया है। और जैसे उसको ये मालूम पड़ता है कि दौड़ी ख़त्म हो गया है, उसके अंदर हाहाकार मच जाता है, उसे मतलब डोरी के प्रति जो उसका दबा हुआ प्रेम था वो एकदम प्रेम उभर के आ जाता है। और गदल के मन में एक और छोटी सी चीज अंदर अंदर उसे खा रही है कि जब उसका पति मरा था ना, तो गांव में क्या होता है, मृत्यु भोज होता है मरने के बाद 13वीं पर, तो उसमें खूब बड़ा समाज को खाना वाना खिलाया जाता है, बड़ा उसको आदर और सम्मान की बात मानी जाती है कि हमने अपने व्यक्ति का कार्य इतना अच्छा किया। लेकिन इसके बेटे वगैरह ने बहाना ले लिया, नहीं नहीं सरकार ने रोक लगा दिया, हम नहीं करेंगे। असली बात तो ये थी कि वो पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे थे, पर ऊपर बहाना क्या लगा दिया कि नहीं नहीं सरकार ने मना कर रखा ना, तो हम ये कार्य नहीं करेंगे। तो गदल के मन ही मन में ये भी दुख था कि मेरा पति मरा, मेरे पति की पता नहीं आत्मा को शांति मिली कि नहीं मिली, क्योंकि उसका कोई कार्य नहीं हुआ। और अपन ये जो 13वीं करते हैं उसमें ये तो कहते हैं आत्मा की शांति के लिए कर रहे हैं, पंडितों को खिलाते हैं, सबको खिलाते हैं कि आत्मा की शांति के लिए। तो गदल को बड़ा दुख होता कि मेरी आत्मा, मेरे पति की आत्मा को शांति मिली या नहीं मिली, क्योंकि उनका कोई भी कार्य नहीं हुआ। अब उसे लगता है कि मेरा देवर भी मर गया है, और बेटे तो फिर वही लोभ और लालच में आ जाएंगे और बहाना ले लेंगे सरकार का, उसका भी कोई कार्य नहीं करेंगे। ये कार्य तो होना चाहिए, क्योंकि अंदर ही अंदर मनी मन से तो वो दौड़ी को बहुत चाहती थी। तो वो क्या, जब उसको जैसी खबर मिलती है कि दौड़ी मर गया है, तो वो अपने घर अपने पति से कहती है कि मैं वहाँ जाऊँगी, मेरा देवर खत्म हो गया। तो वो मनी कहता है कि तेरा उसे घर से क्या संबंध है, अब तूने मुझसे शादी कर ली, चुपचाप यहीं रह, और सारी बात तो मैंने तेरी मानी है, तूने कहा घर से अलग हो जा, मैं घर से अलग हो गया, अकेला रह रहा हूँ, मैं तेरे साथ रह रहा हूँ, मैंने अपने घर वालों को भी छोड़ दिया, तू वापस क्यों जाएगी। बोले जाऊँगी, तेरे को हिम्मत है तो रोक ली। वो तो बहुत, मैंने बताया ना, बहुत ही कहना चाहिए मुड़ चढ़ी औरत है एकदम, जो उसके मन में आती है मनमानी करती है। बोले मैं तो जाऊंगी, तो उसको गुस्सा आता है मोनी को, वो क्या करता है उसको बंद कर देता है और खुद दरवाजे पर प्यारा लगा के बैठ जाता है कि जा कैसे जाएगी। वो क्या करती है कि उसकी झोपड़ी में जो छांझ होती है ना ऊपर छप्पर, उसमें से निकल के फरार हो जाती है और वहाँ पहुँचती है। वहाँ पहुँच कर और घर में बातचीत करती है, रोती है मतलब, क्योंकि डोरी ख़त्म हो गया होता है, और कहती है कि देखो तुमने है ना अपने बाप का यानी कि मेरे पति का भी कोई कार्य नहीं किया था, तुम्हें मालूम है बिना कार्य के आत्मा की शांति नहीं मिलती है, अब तुम डोरी के साथ ऐसा मत कर देना, इसकी इसका कार्य होगा। तो बच्चे तो उसी तरीके से बात करते हैं कि नहीं पुलिस ने मना किया हुआ है। बोले अरे पुलिस की ऐसी की तैसी, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी, तुमने बहाना ले लिया, तुम अपने बाप से इतना प्रेम ही नहीं करते थे, असलियत में तो तुम लोभ कर रहे थे, लालच कर रहे थे, पैसा बचाना चाहते थे, इसलिए तुमने कार्य नहीं किया, पुलिस का बहाना ले रहे हो, कानून का बहाना ले रहे हो, और कौन से कानून मानते हो, अब मैं देखती हूँ कानून वाले क्या बिगाड़ते हैं, मैं अपने देवर का कार्य करूँगी और तुम लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से अपनी परंपराओं की रक्षा की जाती है, कानून देखें हमें कैसे रोकती है, मन में यदि इच्छा है तो हम अपनी परंपराओं का, हमारे रीति रिवाजों का, जो भी आपने कहा ना कि गांव के लोग ये कहते हैं कि अरे हमारे तो रीति रिवाज है, हम कैसे तोड़ देंगे, वो तो चलेंगे, हमारे घर में ऐसा होता था, हमारे खानदान में ऐसा होता था, तो वो तैयार हो जाती है। जब उसको ये मालूम पड़ता है ना, उसको ये तो मालूम है कि कानून बना हुआ है, तो वो क्या करती है कि जो गांव के पास थाना है ना, उस थानेदारों को और पुलिस वालों को खूब रिश्वत दिलवा देती है कि देखो मैं कार्य करूंगी और तुम गांव की तरफ आना मत, अब मुझे करना है कार्य। अब देखो यहाँ पर एक व्यंग आ गया पुलिस वालों की रिश्वतखोरी पर, भ्रष्टाचार पर भी व्यंग किया गया, किस तरीके से जो कानून बन जाते हैं लेकिन कानूनों का पालन क्यों नहीं होता, क्योंकि जो कानून के रखवाले हैं
जो कानून का पालन करवाने वाले हैं वही कानून को तुड़वा देते हैं थोड़े से पैसे के लोभ लालच में, तो पुलिस वाले वहां नहीं आते। अब इधर क्या होता है, जो मौनी होता है ना उसको बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी बीवी बिना इच्छा के आ जाती है और वो उसकी बीवी है। अब उसे लग रहा है कि अब ये वापस नहीं आएगी, अभी तक तो ये मेरे यहाँ रह रही थी, तो क्यों रह रही थी? डोडी को ठेंगा दिखाने के लिए कि तूने नहीं रखा, देख मैं तो रह रही हूं, मैंने तो कर ली शादी, अब तो डोडी मर गया तो अब ये मेरे पास रहेगी नहीं। और मौनी को तो एक औरत की जरूरत थी क्योंकि उसकी पत्नी भी नहीं थी, तो वो बदला लेना चाहता है गदर से कि ये कैसे छोड़ के चली गई, ऐसे कैसे छोड़ के चली गई मेरी इच्छा के बिना। तो वो क्या करता है कि पुलिस वालों को शिकायत करता है, पुलिस वाले तो आते ही नहीं है क्योंकि वो रिश्वत खा चुके हैं, बहाना लगाते हैं। वो समझ जाता, वो और बड़े अफसर के पास जाके शिकायत कर आता है कि ऐसे ऐसे गाँव में कारज हो रहा है, मृत्यु भोज हो रहा है, कानून के विरुद्ध काम हो रहा है, आप जाइए और उसको रोकिए। वो ऊपर वाले लोग हैं वो पुलिस वालों को कहते हैं और उनको मजबूरी में गाँव में आना पड़ता है। और इधर उस दिन मृत्यु भोज हो रहा है, सब लोग अपना खाना खा रहे हैं, खूब लोग पूरे गांव के लोगों को उसने बुलाया है, बहुत जोर शोर से जो भी उसके पास जमा खर्च था, जो भी उसने जोड़ा था अपनी ज़िंदगी में, उसने सारा अपने देवर के कार्य में ख़त्म कर दिया। ये एक तरीके से उसके अपने देवर के प्रति श्रद्धांजलि है, स्नेह का प्रदर्शन है उसके हिसाब से कि मैं अपने देवर से इतना प्रेम करती हूँ और अपने रीति रिवाजों को छोड़ूंगी नहीं, मैं उसकी आत्मा के जीते जी उसको उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली पर मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। तो वो सारा पैसा खर्च करके खूब बड़ा जीवन करती है और सारे गाँव के लोग आ रहे होते हैं। वो कहते हैं कैसे भी तुम पुलिस वालों को रोक लो, बस ये काम हो जाए तब तक कैसे ना कैसे रोको। लेकिन पुलिस वाले आ जाते हैं और ये मृत्यु भोज को रोकती नहीं है, पुलिस वाले मृत्यु भोज को रोकना चाहते हैं तो ऊपर छत पे चढ़ जाती है और गोलियां चलाने लग जाती है। इधर से पुलिस वाले भी गोलियां चलाते हैं, आपस में गोली चल रही है और कहती है मैं संभाल रही हूँ पुलिस वालों को, तुम तो जुमाओ जुमाओ, कोई भी रहना नहीं चाहिए, सबको खाना खिलाओ। सबसे लास्ट की जो पंगत होती है ना वो खाना खा रही होती है और ये छत पे से धड़ाधड़ पुलिस वालों से मुठभेड़ कर रही होती है गोलियां चला चला के, और अंत में पुलिस वालों की गोली इसको लग जाती है और ये वहीं मर जाती है। कहानी इस तरीके से खत्म हो जाती है। पर ये कहानी आपको क्या सिखा जाती है? पहले तो मैंने आपसे जो एक प्रश्न पूछा था, क्या गदल ने सही किया मृत्यु भोज करके कानून को तोड़ के? नहीं ना, बिल्कुल सही। अभी अभी आप कह रहे हैं कि जो पुराने हमारे कोई ऐसे रीति रिवाज हैं जो कि प्रगतिशील नहीं है, जो हमको वापस लौटा के ले जा रहे हैं, ऐसे रीति रिवाज और जिन पे कानून बन चुका है, कम से कम उन कानूनों को तो नहीं तोड़ना चाहिए ना, कानून व्यवस्था को हमें हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सरकार ने इस हित में बनाया है कि बेचारे लोगों के पास पैसा नहीं होता है, व्यक्ति तो मर गया, वो जानते हैं कि जो मर गया उसके पास थोड़ी जा रहा है, वो तो हम सब लोगों के पेट में खाना जा रहा है, लेकिन वो कर्जा ले लेके ये मृत्यु भोज करते हैं और कोई नहीं करता है ना, तो क्या करते थे, गाँव की जो पंचायत होती थी ना उनको जाति से बाहर कर देती थी, जबरदस्ती उनसे ये मृत्यु भोज करवाया करती थी, तो मजबूरी में करते थे वो। तो इसलिए गदल की ये जो बात है वो तो थोड़ी सी सही नहीं है कि उसने इस रीति और परंपराओं को तोड़ा। चलो इस पर हम अलग से बात करेंगे, पर हाँ ये कहानी हमको ये तो शिक्षा देती है कि अपने अधिकारों के प्रति किस तरह दृढ़ता के साथ लड़ा जाता है। एक औरत की भी अपनी इच्छाएं होती हैं, उसके भी अपने अधिकार होते हैं, यदि वो अपनी अधिकारों की रक्षा और अपनी पहचान की रक्षा खुद नहीं कर पाएगी तो दुनिया भी नहीं करेगी। तो औरतों का सशक्तिकरण, जो कहते हैं ना नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण की सबसे बड़ी बात ही है, और ये कहानी नारी सशक्तिकरण का संदेश दे रही है और ये कह रही है कि यदि नारी को सशक्त होना है तो कोई कानून का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं आएगा कि आपको ताकत देगा, अधिकार देगा, आपको खुद अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको खुद साहस और दृढ़ता दिखानी पड़ेगी। तो ये जो कहानी की मूल संवेदना है ना वो यही है कि किस तरीके से नारी को सशक्त किया जाए। वो एक अलग बात है कि उस चक्कर में थोड़ा सा उसने घर की जो एक परंपरा तोड़ी वो भी गलत थी, क्योंकि उस समय उसको विवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी, उसके ऑलरेडी दो बच्चे थे और वो भी इतने बड़े बड़े, एक बेटा तो उसका 30 साल का है, तो बूढ़ी भी तो होगी। हाँ बूढ़ी हो गई, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ज्यादा बूढ़ी क्यों नहीं हुई होगी, क्योंकि उस समय तो जल्दी विवाह हो जाते थे ना, जल्दी बच्चे हो जाते थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत बूढ़ी होगी, हम ये भी कह सकते हैं कि शायद हो सकता है वो 40-45 साल की होगी। भाई 30 साल का बड़ा बच्चा है तो पहले तो बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, 12-13-14 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, 16-17-18 साल में तो बच्चे हो जाते थे पहले, तो हो सकता है वो 45-50 साल की हो, लेकिन हाँ फिर भी उसे अपने परिवार में ही रहना चाहिए था। इस तरीके से इस समय कोई आवश्यकता नहीं थी उसको दूसरी शादी करने की, क्योंकि ना तो वो आर्थिक रूप से कमजोर थी,
और ना वो शारीरिक रूप से कमजोर थी और ना वो पारिवारिक दृष्टि से कमजोर थी। अपने परिवार में रहती ठीक है, यदि बहू है उसका मान नहीं करती तो वहां भी तो अलग रह रही थी, दूसरी शादी करके गई है वहां भी तो घर से अलग होके रही है, यहां भी अलग होके रह सकती थी। तो एक तो हमें ये चीज मतलब चर्चा का विषय है कि क्या गदल को दूसरी शादी करनी चाहिए थी, और दूसरी बात ये चर्चा का विषय नहीं है, दूसरा तो बिल्कुल सही है कि गदल को इस तरीके से कानून तो हाथ में नहीं लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी हमें यह बताता है कि जो उसकी इच्छा शक्ति थी, जो उसकी भावना थी, जो उसकी अपनी खुशी थी, उसने अपनी खुशी के लिए अपनी जान दे दी। तो ये कहानी है। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी।